भगवान ने हवन पूजा हनुमान चालीसा एवं रामायण पाठ और भंडारा कराया, जिसमें सभी राजनेताओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पूर्व बसपा नेता रामवीर उपाध्याय को पप्पू पहलवान ने साफा बांधकर और हनुमान का गदा देकर सम्मान किया। वहीं रामवीर उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीपल वाले अखाड़े से भारत में पहलवानों ने अपना परचम फैला रखा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह ऐसे ही अपने अखाड़े और मथुरा का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे और मथुरा के पहलवानों ने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है और इस प्रकार कार्यक्रम पप्पू पहलवान ने किया है उससे हमें बहुत ही गर्व है। वहीं पप्पू पहलवान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 25 साल से यह कार्यक्रम पीपल वाले अखाड़े पर करता चला आ रहा हूं और भगवान का आशीर्वाद रहा तो जब तक मैं इस अखाड़े में जुड़ा हूं तब तक ऐसे ही अखाड़ा करता रहूंगा और अपने पहलवानों से यही अपेक्षा रखूंगा, अखाड़े का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। पप्पू पहलवान जी ने एवं हमारे सादाबाद से जिला पंचायत सदस्य श्री बॉबी पहलवान जी ने ये कार्यक्रम रखा है, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, क्योंकि हमने देख रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के आसपास के प्रदेशों के नामी ग्रामी पहलवान या उत्तर प्रदेश केसरी, राजस्थान केसरी अन्य पहलवान या मौजूद हैं हनुमान जी के इस प्रांगण में, तो मैं इन्हें बधाई देता हूँ और बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और जा सकती दे, एक दिन ये सब लोग हमारे मथुरा का, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें और एक दिन भारत केसरी बने पूरे देश में। सौभाग्य का दिन है कि आज पीपल वाले अखाड़े पे पप्पू पहलवान जी ने यहाँ वार्षिक भंडारा कराया। विगत वर्षों से कई बार पहले होता आया है यहाँ, पर लेकिन बीच में किसी कारणवश रुक गया था और पप्पू पहलवान जी ने जब से मुझसे इस अखाड़े की कमान संभाली है, इस अखाड़े पर तरक्की, सांप्रदायिक सौहार्द का जो विकास हुआ है और अखाड़े पे पहलवानों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है और उससे लग रहा है कि अखाड़े की बहुत सारी प्रगति हो रही है। अखाड़े का जो स्वरूप बिगड़ गया था वो स्वरूप दोबारा लौटने लगा है और सारे पहलवानों में बड़ी खुशी की लहर है। पप्पू पहलवान जी निस्वार्थ सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर पहलवानों के साथ उनके सुख में, उनके दुख में रहकर उनके साथ कार्य करते हैं, चाहे उनके परिवार का, चाहे अपने परिवार का एक बार छोड़ देंगे पर अपने पहलवान साथियों के साथ उनके सुख और दुख में रहते हैं, ये उनकी विशेषता है। नहीं दुर्गा होने देंगे, बोल बजरंग, नहीं दुर्गा होने देंगे, जिंदाबाद पप्पू पहलवान, जिंदाबाद। आज आज पीपल वाले अखाड़े पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, जो कि पप्पू भाई जो की पहलवान भी है और सभी ब्रज के सभी प्रसिद्ध यहाँ पहलवान लोग सभी एकत्रित हुए और हनुमान जी का सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़े सौभाग्य का दिन है, हर वर्ष की तरह जिस तरह ये आयोजन होता है उसी तरीके से आज और भव्यता नजर आ रही है और सभी वरिष्ठ लोग मथुरा के सभी लोगों का सहयोग भी पप्पू भाई को है और सभी पहलवान लोग, बड़ी खुशी का माहौल है, जैसा एक माहौल खेलकूद का होना चाहिए वो पप्पू भाई ने उस तरीके का माहौल बना दिया है और पीपल वाला अखाड़ा आगे दिन